हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो यहां देखिए पार्ट 3 में क्या बोल रहा है। यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें 2 लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करने हैं, ठीक है, और फिर उसे सॉल्व करना है किसी भी एल्जेब्रिक मेथड यूज करके, लाइक आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि यस जो है अगर 3 मार्क करेक्ट आंसर के लिए मिलता है और 1 मार्क डिडक्ट होता है, उस केस में यस को 40 मार्क्स आ रहा है। अगर उसके प्लेस पर 4 मार्क्स करेक्ट आंसर पर और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर पर डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, तो आता है उसको 50 मार्क्स। तो हमें पता करना है कि एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट और रॉन्ग आंसर कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर्स बी द नंबर ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर राइट एंड रॉन्ग आंसर्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब कि एक्स करेक्ट है उसका और वाई रॉन्ग है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन हम क्या इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन The pair of linear equations formed are the pair of linear equations formed are, ठीक है। अब देखिए यहां पर x करेक्ट आंसर है और y रॉन्ग आंसर है, तो करेक्ट आंसर के लिए जब 3 मार्क्स मिल रहा है मीन्स 3 इंटू एक्स और डिडक्ट हो रहा है y क्वेश्चन, तो अब y आंसर्स के लिए और डिडक्ट हो रहा है 1 मार्क्स पर आंसर के लिए, ठीक है, माइनस y 3x माइनस y इक्वल टू 40, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस क्या है, अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलता है और 2 मार्क्स डिडक्ट होता है रॉन्ग आंसर के लिए, उस केस में मार्क्स आ रहा है 50, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू y इक्वल टू 50, ठीक है, और दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस y इक्वल टू 25, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब हमने लीनियर इक्वेशंस तो फॉर्म कर लिया, अब क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर हम देखें इक्वेशन 1 और 2, तो अगर 1 को 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर दें या 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा इजीली, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए y की कोएफिशिएंट दोनों में इक्वल है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 we get 3x minus 2x means x और y तो eliminate हो जाएगा, तो 40 minus 25 equal to 15, तो x हो गया 15। अब क्या इसे हम अगर substitute कर दें either equation 1 में और equation 2 में तो हमें y की भी value मिल जाएगी, ठीक है, substituting this value of x
this value of x in equation 2, we get x के प्लेस पर 15 हो गया माइनस y इक्वल टू 25. तो यहां से हम सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 30 माइनस 25, तो y इक्वल टू 5 हो गया. ठीक है, चलिए तो हमें क्या फाइंड करने थे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट. ठीक है, वही फाइंड करने हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए जो जितना सही है और जितना रॉन्ग है, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस y इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20. ठीक है, तो ये 20 हमारा आंसर हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट. ठीक है, अब देखिए अगर हमें थोड़ा भी डाउट हो तो आप क्या करें, x और y की वैल्यू आइदर इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए. अगर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस आपके सॉल्यूशन बिल्कुल सही है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 के सॉल्यूशन. बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.